एक सच बात बताऊं गाइस, मैं भैंस भी चराता हूं, तो एक रही ये और दो वहां चली गई हैं सब, तो मैं अभी सब कुछ चराऊंगा और फिर गाइस ब्लॉगिंग के जरिए मैं आपको दिखा दिया कि मेरा क्या काम होता है। तो पहला काम यही देख लो गाइस कि मैं भैंस चराता हूं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज का ब्लॉग गाइस अपने रूम से स्टार्ट कर रहा हूं और अभी की सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं। बहुत ज़्यादा सीट गिरी हुई थी इसलिए उठने का तो मन नहीं गया गाइस। अभी मैं सोच रहा था कि अभी भी नहीं उठ रहा था, फिर मैं सोचा हूँ ना कि 11-12 बजे मैं उठूँगा जब सीट ख़त्म हो जाएगा, तो वही चीज़ आलस सी बन जाती है गाइस, लेकिन मैं उठ गया हूँ। तो चलो पहले दूसरा पीस मतलब शर्ट दो दिन से पहनना हो तो पहले इसे चेंज करते हैं, फिर चाय बनाते हैं और फिर आपको छत पे चल के दिखाते हैं। तो गाइस मैं ये डाल लिया हूँ टी शर्ट और अंदर से इनर डाल लिया हूँ। और हाँ गाइस, अभी धूप हो रही है तो अच्छी बात है फिलहाल। चलो चाय पीते हैं, तो ये रही मेरी चाय और लेके चलते हैं बाहर, बाहर वाले रूम में। चलो जज द मुकाबला हल्का हल्का धुतला सा है। आज सुबह बहुत ज़्यादा था गाइस, बहुत ज़्यादा लाइट जला देता है, हल्का सा क्वालिटी गाइस ऐड होता है इस लाइट से। जब मेरा रिंग लाइट आ जाएगा गाइस तब अच्छा रहेगा गाइस, क्वालिटी भी ज़्यादा मिलेगी और मज़ा भी आएगा। तब मैं रील्स गाइस घर में ही शूट कर लूँगा, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये रहा शीशा, तो सब कुछ है, तो बस रिंग लाइट की कमी है गाइस। थोड़ा सा सस्ता कर दो प्लीज़ प्लीज़, तो सस्ता कर दो, 70 में चाय पीता हूँ। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ छत पे और अभी भी देखो हल्का हल्का सा, देखो ये आज का मौसम कुछ ऐसा था। मैं सुबह में नहीं आ पाया हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा शीत था इसलिए मैं सुबह में उठ भी नहीं पाया हूँ। और अभी के टाइम पे देखो, तो गाइस मैं छत पे आया था आपको दिखाने के लिए कि गाइस आज का मौसम कुछ इस प्रकार है। देखो कितना ज़्यादा सीट वगैरह है और धूल भी मतलब धुआं भी है गाइस, क्योंकि आंखों में जो है ना जलन सा दे रहा है। तो अब चलो नीचे चलते हैं और पहले खाना खाएंगे, क्योंकि गाइस 12:30 हो रहे हैं ना, इसलिए चलो आज जल्दी खाना खाएंगे और फिर चलेंगे गाँव में घूमने, मतलब रील्स वगैरह बनाने के लिए बनाएंगे ना गाइस, सब के सब स्कूल गए होंगे सर। तो चलो पहले खाना खाते हैं, चलो चलते हैं। चलो गाइस खाना खाते हैं। ये रहा मेरा खाना आज भी, दाल चावल और सब्जी, हरी सब्जी और ये मूली। तो चलो खाते हैं गाइस। तेरे किटदा गुजुली ली ली दिन तेरे किटदा ना ना गुजुली ली ली दिन तेरे बिन ना। तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज। तो गाइस अभी के दोपहर के 2 बज रहे हैं, अभी शाम थोड़ी नहीं हुआ गाइस, तो 2 बजे मैं निकल गया हूँ रील्स बनाने के लिए, क्योंकि गाइस बोरिंग था, महसूस हो रहा था तो चला हूँ कहाँ हूँ, चलो कुछ ना कुछ रील्स में निकल। क्या था भाई, अबे मुझे लगा सांप वगैरह है क्या गाइस, मैं डर गया था, कुछ तो था गाइस लेकिन पता नहीं क्या था, शायद लकड़ी भी हो सकता है। इसे लग रहा है सांप की तरह रेंग के गया है, तो वो सब छोड़ो, कुछ भी होगा मैं ध्यान से, कुछ था तो नहीं वैसे देखा हूँ। इस बनाते हैं और फिर देखते हैं अच्छा अच्छा शूट करके। आज वैसे हवा उतना नहीं चली, फिर भी मैं कैप लगा लिया हूँ गाइस, तो क्या पता कब हवा चलने लगे और कुछ भी हो सकता है। नहीं गाइस, जहाँ पर मैं हरदम रील्स बनाता हूँ वहीं पर मैं जा रहा हूँ, और स्कूल की गाइस छुट्टी हो गई थी, सारे बच्चे आएंगे सब जाएंगे सब, इतना चलता रहता है। ये देखो गाइस कुछ मेरी दोस्त आ गए, 1-2-3 इन लोगों का वो क्या कहते हैं रक्षक, रक्षक गाइस, जो भी पीछे से गाड़ी आ रही है गाइस तो थोड़ा सा साइड दे देते हैं, वैसे तो निकली जाएगी, अभी हॉर्न मारेगी पी चली गई, और कुछ आ रही है नहीं, तो चलो पोखरे भी चलते हैं, क्योंकि ये सब बच्चे आ रहे हैं सब ना तो दिक्कत हो जाएगी गाइस। एक बुरी बात बताओ गाइस, मुझसे साइकिल तक नहीं संभली जा रही है, बताओ मुझसे साइकिल गिर गई गाइस, मेरा पैर पहुंचता है तो भी गिर गई, मतलब ब्रेक नहीं है गाइस इसलिए दिक्कत हो गई, ये सरकने लगी गाइस, नहीं तो मैं यहाँ से सरकते सरकते वहाँ खाई में चला जाता। ये कहो कि मेरी पॉडल की वजह से रुक गई है साइकिल, ऐसे हो गई है ना, अरे यार फिर गिर गई। तो गाइस मैं यहाँ पे आया हूँ तो भैंस चरा रहा हूँ, 1-2 एक ये रही 3,
तो गाइस मैं गांव में आया था रील्स बनाने के लिए, लेकिन गाइस एक सच बात बताऊं गाइस, मैं भैंस भी चराता हूं, तो एक रही ये और दो वहां चली गई हैं सब, तो मैं अभी सब कुछ चराऊंगा और फिर गाइस ब्लॉगिंग के जरिए मैं आपको दिखा दिया कि मेरा क्या क्या मतलब मेरा क्या क्या काम होता है। तो पहला काम यही देख लो गाइस कि मैं भैंस चराता हूँ, तो रोज़ शाम को गाइस इसीलिए मैं आता हूँ यहाँ पर ब्लॉगिंग का बहाना लेके गाइस मैं भैंस चराता हूँ। तो अभी मैं इस सब कुछ चराऊंगा, फिर मैं चला जाऊंगा घर। तो चलो चराते हैं गाइस। तो मैं इस सबको अपने घर ले जाऊंगा साथ में और इस सबको खाना खिलाऊंगा, फिर कल लेकर आऊंगा और फिर मैं चराऊंगा। तो गाइस थोड़ी देर और चराते हैं और फिर घर चले जाते हैं। तो हेलो गाइस, अभी के शाम के 4:30 हो रहे गाइस। आज तो बहुत ज़्यादा, आज तो सूर्यास्त भी हो गई गाइस, लेकिन मेरा ब्लॉग नहीं एडिट, मतलब पूरा सूर्यास्त हो गया गाइस, मतलब सूर्य देवता चले गए अपने घर। अब चंदा मामा गाइस फोन की बैटरी भी पूरी खत्म हो चुकी है, सिर्फ 4% अब बची होगी गाइस, 4% 5% थी, जिसमें से 1% अभी घट गई होगी, मुझे पता है, मुझे देख भी नहीं सकता गाइस। तो जहाँ तक गाइस वीडियो रिकॉर्ड होगी वहाँ तक मैं रिकॉर्ड कर लूँगा अभी, वरना जब कटेगी तो समझ लेना गाइस कि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म। मुझे याद ही नहीं है मैं रील्स शूट करने लगा हूँ, क्योंकि 2-3 लड़के और आ गए थे सब, तो जिससे और ज़्यादा टाइम लग गया वहीं पर। अभी भी शूट ही कर रहा था, अगर फ़ोन की बैटरी नहीं ख़त्म होती ना गाइस तो फिर मैं घर पे आ भी नहीं पाता। तो गाइस आज 4:30 नहीं हो रहा है गाइस, 5 बज रहा है यार गाइस। मुझे लगा गाइस आज मैं 5 बजे घर पे आया हूँ गाइस। तो गाइस आप स्क्रीनशॉट देख चुके होंगे कि जो कि मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, और 1% में गाइस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी। तो गाइस अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा गाइस, क्योंकि अब इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत काम के लिए मैं छोड़ सकता हूँ, 8% में जो भी काम होगा वो हो जाएगा। घर पे सबको लगता है ना गाइस कि मैं वैसे ही कहीं मार्केट वगैरह जा रहा हूँ, तो मैं धीरे से उधर निकल जाता हूँ, रील्स बना लेता हूँ और घूम लेता हूँ, तो इसलिए मैं साइकिल से जाता हूँ गाइस। तो गाइस तो मैं बहुत ज़्यादा कर लिया, तो ब्लॉग को गाइस यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ गाइस, रिंग लाइट मंगानी थी आज, किसी तरह मैं सोचा हूँ ऑर्डर कर दूँ, लेकिन यार गाइस इतना पैसा भी नहीं हो पाया गाइस, 5,000 हो गया गाइस, 5,000। 4:30 तक ठीक था, अभी ये क्या जा रहा है। तो भाई कितने सारे हैं सब भाई, सब एक बैग से आए हैं, सब मेरे ऊपर से निकल गए हैं सब। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी एक लड़के इसके पास फ़ोन करके पूछना है गाइस कि एग्ज़ाम वगैरह स्टार्ट हो रहा है क्या, मतलब एक सर कह नहीं रहेगा, एक दिक्कत जाती है ना दूसरी दिक्कत आ ही जाती है यार। जब मैं खुश होता हूँ तो उसके साथ थोड़ा सा दुखी भी हो जाता हूँ ना, लेकिन ये तो दुख नहीं है, बस पता कर लेते हैं गाइस। तो अभी शाम को पता करेंगे, पहले चाय पी लेते हैं, उस दिन भी यहीं से मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।